हमीरपुर के बाल स्कूल परिषद में जिला के सभी स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 94 सीनियर सेकेंडरी व 67 हाई स्कूल के मुख्य अध्यापकों ने भाग लिया। बैठक में स्कूल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही स्कूलों की कमियों के बारे में भी चर्चा की गई और स्कूल मुखियों को निर्देश भी दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर सोमदास सांख्यान ने बताया कि बाल स्कूल में सभी स्कूलों के मुख्य अध्यापकों की बैठक आयोजित की गई और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए निर्देश भी दिए गए। सभी स्कूल हेड्स की मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे 94 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और 67 हाई स्कूल हैं, उन सब के स्कूल हेड्स यहाँ आए थे और विभाग की तरफ से जो भी डायरेक्शन थी वो इसमें दी गई और स्कूलों से संबंधित और भी जो भी वहीं को कमियां थी, जैसे इंस्पेक्शन कार्य के हमारे डिप्टी साहब हैं पटियाल जी, उन्होंने भी सभी स्कूल हेड्स को शेयर की और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम लेवल पर जो भी डिमांड थी विभाग की तरफ से या जो कमियां स्कूलों की तरफ से वो भी हमने सब स्कूल हेड्स के साथ शेयर की। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से 100 डेज का एक्शन प्लान दिया गया है उसके ऊपर भी हमने सब स्कूल से चर्चा। हाँ नहीं, कमी तो है अगर बच्चों को जानकारी नहीं है, पर सरकार की तरफ से बड़े साफ निर्देश है कि जो भी हमारे राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ एक दिवस है उनको विद्यालयों में मनाने के आदेश हैं और इसका जो हमारा एजुकेशन कोड है उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो अभी भी सभी स्कूल हेड्स को से आग्रह किया गया है कि बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी दें, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है हम सभी तकरीबन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इस देश में पैदा हुए हैं, हमारा इतिहास है, हमारे जो लोगों की कुर्बानियां हैं वो भावी पीढ़ी को तभी पता लग सकता है अगर हम इस बारे में बताएंगे, उनसे चर्चा करें।